पूर्व सीएम अजीत जोगी का पार्थिव शरीर बिलासपुर के मारवाही सदन पहुंच चुका है, जहां कार्यकर्ताओं के लिए अंतिम दर्शन के लिए वहां रखा। जोगी के निधन के तत्पश्चात छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अनुसुईया ने गहरा शोक व्यक्त किया है। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री रहे अजीत जोगी के निधन के बाद लोगों का श्रद्धांजलि देने का तांता लगातार बना रहा है। वहीं उनके समर्थकों ने भी गहरा शोक व्यक्त किया है। आज 4:30 बजे उनके गृह ग्राम में उनका अंतिम संस्कार होना है। फिलहाल बिलासपुर के मारवाही सदन में कार्यकर्ताओं के अंतिम दर्शन के लिए पूरे सीएम अजीत जोगी को रखा गया है। जोगी सार पैतृक गांव में ले जाया जाएगा, जहां उनका अंतिम संस्कार भी किया जाना है। बेटी अनुषा के बगल में उनका अंतिम संस्कार किया जाना है। अजीत जोगी का पार्थिव शरीर बिलासपुर के मारवाही सदन में कार्यकर्ताओं के अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। जी, आपको बिलासपुर की जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं साफ तौर पर उनके समर्थकों का काफी भीड़ वहां लगी हुई है। अंतिम दर्शन करने के लिए लोग वहां पहुंच रहे हैं। देश के कोने कोने से लोग बिलासपुर के मारवाही सदन में कार्यकर्ताओं का लगातार तांता लगा हुआ है, जहां से हम आपको सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं। बिलासपुर के मारवाही सदन से पूर्व सीएम रहे छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी जी का आज अंतिम दर्शन करने के लिए लोगों की काफी भीड़ उमड़ पड़ी है। 4:30 बजे गौरेला के प्रभु कृष्ण वाटिका में उनका अंतिम संस्कार किया जाना है। बेटी अनुषा जोगी की कब्र के बगल में ही अजीत जोगी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। जहां से हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, बिलासपुर के मारवाही सदन में कार्यकर्ताओं का भीड़ देखने को मिल रहा है।